इस क्वेश्चन के बाद वी आर हेडिंग टू एग्जाम्पल नंबर 9। जो बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन जैसा क्वेश्चन लग रहा है। यहां पे हमें दो मैट्रिसेस हैं x प्लस y, उनका सम गिवन है, और दो मैट्रिसेस हैं उनका डिफरेंस गिवन है। हमें दोनों इंडिविजुअल मैट्रिक्स x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हम 10th में लीनियर इक्वेशन में करते थे कि अगर हमको जैसे यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे भी x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो सिंपली अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन मान के, तो ये y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये y और y कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो जाएंगे, 8 8 0 8। अब आपको खाली x चाहिए, तो ये 2 ऐसे जाएगा नीचे, आगे जाके हाफ हो जाएगा। और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर वैल्यू। तो ये हाफ जो है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस मैट्रिक्स की वैल्यू x आ जाएगी 4 4 0 4। अब दूसरा तरीका, मतलब y निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, या तो इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें, या इस इक्वेशन में पुट कर दें, y आ जाएगा, या आपकी बार हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, उससे भी हमारे पास y आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शन वाला मेथड यूज कर रहे हैं, हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x और -x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस y हो जाएगा, तो वो 2y बन जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 - 3 2 2 - 6 - 4, ये 0 रहेगा, ये 10 हो जाएगा, और यहां से ऐसे ही इस 2 को नीचे लेके जाएंगे, ये y की वैल्यू 1 - 2 0 और 5। तो ये आपको x और y की वैल्यू मिल गई। तो एक बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये पेपर में आएगा तो बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आने वाला। सिंपल दो लीनियर इक्वेशन जैसा आपको कुछ लग रहा था, x प्लस y, x माइनस y, हमने ऐड किया, y सब्ट्रैक्ट हो गया, x की वैल्यू निकाली, हमने दूसरे केस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, y ऐड हो गया, x कैंसिल हो गया और y की वैल्यू निकाली। हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते थे और उससे भी y की वैल्यू निकल सकती थी। क्या हो गया इसको?